वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के 10,000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये वे प्रश्न हैं जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो को डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक आपने उसे विजिट नहीं करा है तो आप उसे विजिट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप उसे विजिट कर सकते हो। फिर देखिए, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे जो PGT हिंदी के लिए हमारा बैच शुरू हुआ है उसमें एनरोल नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द आप उसमें एनरोल होइएगा। और साथ में अगर आप LT कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी उस बैच को अवश्य ज्वाइन करिएगा। जो शुरू के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए फ़ीस में काफ़ी ज़्यादा छूट रहेगी। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप एनरोल हो जाइए उसमें। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आधुनिक हिंदी काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके लिए रहेगा। पहले इसे पूछा गया है PGT हिंदी की परीक्षा में 2002 में। ठीक है, तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, जो छायावाद है इसके अंतर्गत आधुनिक काल कि ये काव्यधारा थी जिसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती थी। अगर आपसे ये प्रश्न बनेगा कि छायावाद का समय कब से कब का है तो ये 1918 से लेकर 1936 इसका समय स्वीकार किया जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, दूसरा, किस कवि की रचनाओं वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य के 10,000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी, उसको आप विजिट करिएगा। बाकी देखिए, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न पूछा गया है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, जो छायावाद है इसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। ठीक है, और ये प्रश्न देखिएगा PGT 2002 परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आपकी आगामी परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, दो, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। तो चार विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, इनमें जो सही हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, जो मुकुटधर पांडे है इनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। आगे पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे जो PGT हिंदी और LT कमीशन के लिए कोर्स लॉन्च करे गए हैं उनमें एनरोल नहीं हुए हैं तो जल्द से जल्द आप उनमें एनरोल होइएगा। जनवरी के शुरुआती हफ्ते में आपके लिए वहाँ पर क्लासेज शुरू कर दी जाएंगी। ठीक है, तो जल्द जल्द एनरोल हो जाइएगा वहाँ पर। शुरू के जो कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए वहाँ पर फीस में काफ़ी ज़्यादा छूट रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगला जो प्रश्न है, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, ये सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा, ये जो प्रश्न है नेट जून 2002 और 1996 में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है इसमें, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन होंगे। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ हो जाएंगी। अगर पूछा जाएगा कि किस रचना से ये पंक्तियाँ ली गई हैं तो ये आंसू नामक जो इनकी कृति है वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। जो जयशंकर प्रसाद है इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी स्वीकार किया जाता है। जो विकल्प में दिए गए हैं ये चारों के चारों कवि छायावाद से संबंधित होंगे। फिर अगला प्रश्न है, पाँच, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृति त्रिधारा और मुकुल के रचयिता कौन होंगे। तो ये दोनों ही रचनाएं यहाँ पर आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की हो जाएंगी, तो सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, क्या दिया गया है इसमें, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। ये प्रश्न PGT परीक्षा 2002 और TGT परीक्षा 2001 में पूछा गया है।
तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, जो माखनलाल चतुर्वेदी है, इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। और किसने कहा था इन्हें, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, साथ, वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन होंगे। कितनी सुंदर पंक्ति है ये देखिएगा, वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय। किसकी पंक्तियाँ हो जाएंगी ये, तो ये हो जाएंगी हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियाँ। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, क्या पूछा गया है, 8, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, पंक्ति किसकी होगी ये, तो ये हो जाएगी भगवती चरण वर्मा की। ठीक है, सी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। बाकी देखिए, जो ये PDF है ये जाएगी हमारी, जो पेड मेंबर है हमारे टेलीग्राम चैनल पे उनके लिए। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं, उसकी मेंबरशिप अवश्य लीजिएगा। हर एक व्याख्यान का PDF वहाँ पर दिया जाता है, और अभी महत्वपूर्ण जो PDF रहती है वो भी वहाँ पर सेंड की जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 9, प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी, तो ये की गई थी प्रेमचंद के द्वारा, तो सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, 10, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है, तो जो यहाँ पर योगदान रहेगा, छायावादी रोमानियता एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और मार्क्सवादी प्रभाव, इन सभी का प्रभाव रहा है प्रगतिवाद के जन्म में। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न पंक्तियों के रचनाकारों को सम्मिलित करिए, तो देखिएगा पंक्ति है, आज नदी बिल्कुल उदास थी सोई थी अपने पानी में उसके दर्पण पर, किसकी पंक्ति हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगी केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति। इसके पश्चात अगली पंक्ति है, गुण खाए शहतीरों पर बारह खड़ी विधाता बांझे, किसकी पंक्ति हो जाएगी, नागार्जुन की। अगला प्रश्न है, आज मैं अकेला हूँ अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह रतन मिला है यह, किसकी पंक्ति हो जाएगी ये, त्रिलोचन शास्त्री की। अंतिम पंक्ति रहेगी यहाँ पर, चढ़ी पेड़ महुआ थपथपा मचाया गिरी धम से फिर चढ़ी आज ऊपर, किसकी पंक्ति हो जाएगी ये, केदारनाथ अग्रवाल की। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये मिलान है सुमिलित हो जाता है। इस प्रकार से देखिएगा, एक का दो कहाँ है, बी और सी में है। फिर आगे देखिए, घुन खाए शहतीरों को 2 का 4, इस प्रकार से जो विकल्प सी है ये सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, निम्न रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ मिलाइए, तो यहाँ पर देखिएगा, रचना है युग की गंगा, किसकी रचना हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगी केदारनाथ अग्रवाल की। इसके पश्चात है, मिट्टी की बारात, ये किसकी रचना हो जाएगी, त्रिलोचन शास्त्री की रचना हो जाएगी मिट्टी की बारात। सतरंगी पंखों वाली, ये किसकी रचना हो जाएगी, नागार्जुन की। फिर है, परशुराम की प्रतीक्षा, ये किसकी रचना हो जाएगी, दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की रचना हो जाएगी। ठीक है, आगे मिलान नहीं दिया गया है कौन सा किस तरह से सही होगा, तो ये देखिएगा, जो पहला है ये केदारनाथ अग्रवाल की हो जाएगी, तो यहाँ पर जो विकल्प बी है ये ही सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहली पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की, दूसरी त्रिलोचन शास्त्री की, और जो तीसरी पंक्ति है ये किसकी थी, नागार्जुन की, और अंतिम दिनकर की है। इस प्रकार से जो विकल्प बी है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेट दिसंबर 2011 की परीक्षा में पूछा गया है, क्या है प्रश्न, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था नंदुलारे वाजपेयी के द्वारा, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 14, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो जो सही विकल्प हो जाएगा, नई राहों का अन्वेषण। बाकी देखिए दोस्तों, इस वीडियो के लाइक का टारगेट भी हम 50 ही रखते हैं, जितना जल्दी आप इसके लाइक के टारगेट को कंप्लीट करते हैं वैसे ही आपको इसका नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 15, क्या पूछा गया है, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है, प्रश्न पूछा गया है PGT 2000 परीक्षा में, तो 15 का सही विकल्प हो जाएगा अंधेरे में कविता में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, शमशेर 16 प्रश्न होगा, अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात किसने की है,
तो ये की गई है नामवर सिंह के द्वारा, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, शमशेर मूड्स के कवि हैं किसी बीजन के नहीं, उक्त पंक्ति किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मलयज की, विकल्प ए सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 18, इसमें क्या पूछा गया है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं, तो बताइएगा इन दोनों रचनाओं के रचनाकार कौन होंगे, तो ये हो जाएंगे धूमिल, तो बी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन होंगे, तो ये नेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे विट्ठलनाथ, तो बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है बीस क्या पूछा गया है इसमें, और रोड़ाकृत गद्य की रचना कौन सी है, तो जो रोड़ाकृत गद्य की रचना हो जाएगी तो ये हो जाएगी राउल बेल, तो विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करने वाला है, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं, क्या पूछा गया है, जो भारतेंदु की रचना कौन सी हो जाएगी, तो जो भारत दुर्दशा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हो जाएगी, फिर जो राधाचरण गोस्वामी की रचना हो जाएगी यहाँ पर अमर सिंह राठौर, और लाला श्रीनिवास दास की रचना कौन सी हो जाएगी, तप्ता समरण, और जो शिवनंदन सहाय की रचना सुदामा हो जाएगी। फिर देखिएगा जो सही मिलान यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी, भारत दुर्दशा पहले आएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, फिर अमर सिंह राठौर रचना हो जाएगी यहाँ पर राधाचरण गोस्वामी की, और जो लाला श्रीनिवास दास की रचना हो जाएगी तप्ता समरण, और अंतिम रचना है जो सुदामा ये शिवनंदन सहाय की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया है 22, अमृत लाल नागर ने सूरदास के जीवन पर आधारित खंजन नयन उपन्यास के अतिरिक्त कौन से नाटक की रचना की है, तो सही विकल्प जो यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, चरित ना दूजो रंग, तो सी सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखिएगा सूर्यमुख अगर पूछी जाती है किसकी रचना हो जाएगी, तो ये लक्ष्मी नारायण लाल की हो जाएगी, और जो काजल की कोठरी है ये किसकी रचना हो जाएगी, देवकी नंदन खत्री की, और जो जो राम रची राखा ये तुलसीदास की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, बाजारे हुसन का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, गोदान बाजारे हुसन सेवा सदन रंगभूमि कायाकल्प गवन ये सारी रचनाएं हो जाएंगी मुंशी प्रेमचंद्र की उपन्यास माने जाते हैं, तो प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सेवा सदन। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 24, क्या पूछा गया है इसमें, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, तो बताना है क्या इसका आधार रहेगा, तो यह सामाजिक उपन्यास माना जाता है गोदान, ठीक है। अगला प्रश्न है 25, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को वृक्षकटिकम की कथा से जोड़ा है, तो यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा पुनर्नवा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास होगा, ठीक है। बाकी देखिएगा अनामदास का पोथा बाणभट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेख यह भी इन्हीं के उपन्यास हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, चीवर उपन्यास के लेखक कौन होंगे, तो ये हो जाएंगे रांगे राघव। अगला प्रश्न पूछा गया है 27, चाक उपन्यास की लेखिका हैं, बताइएगा इसके लेखिका कौन हो जाएंगी चाक उपन्यास की, पहले तो ध्यान रखना है कि जो चाक है यह उपन्यास विधा की रचना है, और इसकी रचना हो जाएंगी यहाँ पर मैत्रेयी पुष्पा, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 28, नौकर की कमीज जो उपन्यास है इसके लेखक कौन होंगे, चार विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, इनमें जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, विनोद कुमार शुगल। अगला प्रश्न देखिएगा 29, इसमें क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा सिपाहिया उपन्यास के लेखक कौन होंगे या उपन्यासकार कौन होंगे, बड़ा अच्छा उपन्यास है ये भी, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वीरेंद्र जैन। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 30, प्रसिद्ध कहानी दुखवा में कासो कहूं मोर सजनी इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे चतुरसेन शास्त्री, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31, इसमें क्या पूछा गया है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती सर्वप्रथम किस
वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1900 ईस्वी में और सरस्वती पत्रिका में। देखिएगा 1903 से लेकर 1920 तक इस पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, तो इसका उत्तर आप मुझे अवश्य बताइएगा। पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है इस प्रश्न के उत्तर देने के पश्चात। अगला जो प्रश्न है 32, गोविंद मिश्र के कहानी संग्रह का नाम बताइए। यहाँ पर देखिएगा उपयुक्त सभी इनकी कहानी संग्रह हो जाएंगे, नए पुराने माँ बाप, रगड़ खाती आत्माएं, पगला बाबा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बन रहा है आपसे, सदी का सबसे बड़ा आदमी लिखने वाले कहानीकार कौन हो जाएंगे? तो जो कहानी है सदी का सबसे बड़ा आदमी, इसके कहानीकार हो जाएंगे काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है 34, भुजत श्याम कौन टू गोरी, इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे राम अवध शास्त्री। दोस्तों जो प्रश्न मैं पहले पढ़ता हूँ उसका उत्तर आप पहले ही लगा दीजिएगा, ठीक है? कोई कॉपी पेन लीजिएगा, वहाँ पर आप उत्तर भी लगाते रहिएगा कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है मिठुआ, जो ये मिठुआ है, मिठुआ इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ये होंगे आपके विकल्प ए अष्टपूजा प्रसाद शुक्ल। अगला प्रश्न है 36, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित होगी? तो यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। अगला प्रश्न पूछा गया है 37, किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामलीला शर्मा की आलोचना को, विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे बन रहा है 38, कलम का सिपाही कब प्रकाशित हुआ था? जो ये रचना है कब प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 1962 में। अगला प्रश्न है 39, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप में है, बताना है इनका मूल रूप क्या होगा? तो ये एक प्रकार से जीवनी हो जाएगी। यहाँ पर जो 84 वैष्णव थे उनकी जीवनी दी गई है और दूसरे जो रचना है 252 वैष्णवन इनकी जीवनी दी गई है, ठीक है? अगला प्रश्न देखिएगा पूछा गया है आपसे 40, रामलीला शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोक कितने खंडों में ये विभक्त है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका 3 खंडों में। अगला प्रश्न है 41, इसमें क्या पूछा गया है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा होगी? तो ये हो जाएगी वियोगी हरि की, तो सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा माटी की मूर्ति किस विधा की रचना होगी? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा रेखाचित्र, ये रेखाचित्र हो जाएंगे। किसके रेखाचित्र हो जाएंगे? रामवृक्ष बेनीपुरी के। अगला प्रश्न देखिए 43, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना होगी? ये तो ये हो जाएगी रामनाथ सुमन की रचना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रचना भी हो जाएगी। अगला प्रश्न है 44, दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? तो ये लिखी थी मोहनदास नैमिष राय के द्वारा, और किस नाम से लिखी थी? अपने अपने पिंजरे, और कब लिखी थी? 1995 के आसपास, इसका भी ध्यान रखना है आपने। अगला प्रश्न देखिएगा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके रचनाकार थे आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रचना होगी। इनकी एक आत्मकथा है, उसका नाम आप बताइएगा क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम। अगला प्रश्न देखिएगा 46, उठाईगीर आत्मकथा नामक किसने लिखी है? उठाईगीर, तो ये आत्मकथा हो जाएगी आपकी यहाँ पर लक्ष्मण गायकवाड़ की, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्वाग्रह जो पत्रिका थी इसके संपादक कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे अशोक वाजपेयी, विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 48, इसमें क्या पूछा गया है, आलोचना क्या है, आलोचना के संपादक कौन थे? तो जो 48 का सही विकल्प हो जाएगा परमानंद श्रीवास्तव।
फिर अगला प्रश्न है 49, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये हो जाएगा कल सुनना मुझे, तो विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 50, वर्ष 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था आपके चंद्रकांत देवदाले को। और कौन सी इनकी रचना थी? पत्थर फेंक रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 51, इसमें क्या पूछा गया है आपसे? विधवा बिलपे नित धेनु कटे को लागत हाय गुहार नहीं, पंक्ति किसकी होगी? तो ये पंक्ति हो जाएगी प्रताप नारायण मिश्र की, ये भारतेंदु युगीन कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 52, एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद होगा? तो जो ये कृति है हर्मिट, इसका ये अनुवाद हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 53, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा है? तो यहाँ पर जो भारत भारती में भावना रहेगी तो ये राष्ट्रीय भावना रहेगी, तो विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया है 54, धरती हिलाकर नींद भगा दे वज्रनाद से व्योम जगा दे, पंक्तियों के रचनाकार कौन होंगे? तो यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा 54 का, तो ये हो जाएगा गुप्त जी की पंक्ति हो जाएगी, ठीक है, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55, इसमें क्या पूछा गया है? मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो सही विकल्प यहां पर 55 का हो जाएगा, सरस्वती में ये प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा 56, साकेत का काव्य रूप क्या होगा? तो जो 56 का सही विकल्प हो जाएगा यह महाकाव्यात्मक रचना हो जाएगी, ठीक है, और किसकी रचना है ये? मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है 57, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो सही विकल्प यहां पर 57 का हो जाएगा, 1934। अगला प्रश्न है 58, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन होंगे? तो जो 58 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, पादरी एडिसन ग्रीव्स, ये इनकी रचना हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर भी ग्रंथ को ग्रंथकार के साथ सुमेलित करना है, तो चलिए करते हैं। जो हिंदी साहित्य विश्व शताब्दी है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? नंद दुलारे वाजपेयी। अगला है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये किसकी रचना हो जाएगी? ये रचना हो जाएगी अज्ञेय की। फिर है आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, तो ये किसकी रचना हो जाएगी? राममूर्ति त्रिपाठी की। फिर अंत में है यहाँ पर हिंदी साहित्य युग और परिदृश्य, तो ये रचना किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी शिव कुमार शर्मा की। इस प्रकार से जो यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी, ए का 4, बी का 3, सी का जो 2 हो जाएगा और डी का 1। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 60, सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। बाकी जो सही होंगे सिद्ध साहित्य से संबंधित, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है, ये भी सही है। अगला देखिएगा 61, संदेश रासक के रचनाकार नहीं पूछा गया है, रचना की विधा पूछी है, जो संदेश रासक है इसकी विधा क्या होगी? तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर, तो ये खंड काव्य हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए किसकी रचना हो जाएगी, अब्दुल रहमान की रचना हो जाएगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 62, उस समय जैसे गाथा से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा पद्य समझा जाता था, कथन किसका होगा ये?
काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कथन रहेगा, हजारी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 63, नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है, ये कथन किसका होगा? तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका सही विकल्प होना चाहिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, थोड़ा सा डाउट मुझे इस प्रश्न पर लग रहा है, एक बार आप भी अवश्य देखिएगा इस प्रश्न को, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बता दूंगा, अभी थोड़ा सा मुझे संदेह हो रहा है इस पर। अगला प्रश्न देखिएगा 64, ग्रियर्सन के अनुसार आदि काल की अवधि क्या है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी, ग्रियर्सन के अनुसार जो आदिकाल की अवधि थी 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। अगला प्रश्न दिया गया है 65, बिसलदेव रासो का 12 मासा जिसमें बृह वर्णन मिलता है किस मास से आरंभ होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा कार्तिक मास से। फिर है विद्यापति की रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया विद्यापति को कि ये रहस्यवादी थे? तो ये घोषित किया गया था ग्रियर्सन के द्वारा ही। अगला प्रश्न है 67, प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किस दार्शनिक को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शंकराचार्य जी को, ये सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68, ज्ञानबोध ज्ञान प्रोची के रचनाकार कौन होंगे? तो इन दोनों रचनाओं के रचनाकार हो जाएंगे मलुकदास, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69, अलख दरीवा नाम से किसका सत्संग स्थल प्रसिद्ध है? तो ये दादू दयाल का ही हो जाएगा, ठीक है, डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70, रुक्मिणी पुनी वैसे ही मरी गई कुलवंती सतसो सती भई, किस प्रेमाख्यान की पंक्ति हो जाएंगी ये? तो जो सही विकल्प हो जाएगा 70 का, तो ये हो जाएगी मृगावती, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 71, जाकी बुद्धि होई अधिकाई आन कथा कहे बनाई, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन होंगे? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 71 का, तो ये हो जाएंगे उस्मान की पंक्ति हो जाएगी ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 72, कहा करूं वैकुंठी जाए जहां नहीं नंद जहां ना जसोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल ना गाय, पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की हो जाएंगी? तो प्रस्तुत पंक्तियां हो जाएंगी परमानंद दास की, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्तियां रहती हैं, इनको आप ध्यान से नोट करिएगा। अगला प्रश्न है 73, इसमें क्या पूछा गया है? जब ते प्रीति श्याम ते कीनी पंक्ति किसकी होगी? तो ये पंक्ति भी हो जाएगी यहाँ पर परमानंद दास जी की। देखिएगा दोस्तों, मुझे पूर्ण आशा है कि जो ये प्रश्न है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होंगे और आपके द्वारा जो ये प्रश्न नोट भी किए जा रहे होंगे। हम 10,000 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे आपके साथ, 10,000 प्रश्न कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप इनको नोट करते रहेंगे तो भविष्य में आपके लिए प्रदान साबित होंगे, ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से जो जो आपको करवाया जाता है उसके लिए आपने एक अलग से कॉपी लगानी है ताकि आप भविष्य में इनको रिवाइज भी कर सके। तो अगला प्रश्न देखिएगा 74, क्या पूछा गया है? निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या था? तो ये हो जाएगा नियमानंद, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 75, मो मन गिरिधर छवि पे अटक्यों, किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं ये? तो ये हो जाएंगी कृष्णदास की काव्य पंक्ति। अगला प्रश्न है 76, सूरदास की कौन सी कृति नायिका भेद एवं अलंकार विवेचन से संबंधित होंगी? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा साहित्य लहरी, और जो सूर सागर है ये भी इनकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, इसी प्रकार से सूर सरावली भी। जो सूरदास है इन्हें वात्सल्य सम्राट भी माना जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा 77, क्या पूछा गया है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखिए हो गया जूम। अगला प्रश्न देखिए 77, देखन जो पाऊं तो पठाऊं, जमलो का हाथ दूजो ना लगाऊं, बार कर को, पंक्तियां किस कवि की होंगी?
तो जो 77 है इसके रचनाकार हो जाएंगे हरिदे राम। अगला प्रश्न देखिएगा 78, तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन भी मिलता है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा रामाज्ञ प्रश्नावली। और दोस्तों आप अवश्य कमेंट करिएगा कि आपको जो ये प्रश्न है कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं, क्या हमें ये कंटिन्यू रखनी चाहिए सीरीज़ या नहीं, इसके बारे में भी आप अवश्य बताइएगा, आपके रुझान जानने भी जरूरी होते हैं हमारे लिए। अगला प्रश्न देखिएगा 79, भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है। तो ये हो जाएगा शिवराज भूषण, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा 80, इसमें क्या पूछा गया है, श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो ये किया गया था पंडित परमानंद जी के द्वारा, जो श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया गया था पंडित परमानंद के द्वारा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 81, क्या पूछा गया है इसमें, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी राजस्थानी हिंदी। अगला प्रश्न देखिएगा 82, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तो 82 का जो सही विकल्प हो जाएगा सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न देखिएगा 83, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो 83 का सही विकल्प हो जाएगा तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। अगला प्रश्न है 84, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया था। 84 का जो सही विकल्प हो जाएगा राहुल सांकृत्यन के द्वारा यह नाम दिया गया था खड़ी बोली को। अगला प्रश्न देखिएगा 85, इसमें क्या पूछा गया है, बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये हुई है शौरसेनी से, जो बुंदेली है ये शौरसेनी से विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है 86, ल का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो सही विकल्प होगा विकल्पों के अनुसार तो विकल्प बी दंत। अगला प्रश्न है त व्यंजन का मानक क्रम क्या है। तो देखिएगा पहले तो ये अघोष है, उसके पश्चात अल्पप्राण है, फिर दंत्य है, फिर स्पर्श व्यंजन है। तो इस प्रकार से विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो जो 88 का सही विकल्प हो जाएगा लंबोदर, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89, चाय किस भाषा का शब्द है। तो ये चीनी भाषा का शब्द होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए अंधकार, तो ये तत्सम रूप होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 91, कंधा का तत्सम शब्द कौन सा है। तो ये हो जाएगा स्कंद। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 92, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा वी। अगला प्रश्न है 93, अपव्यय शब्द का विलोम क्या है। तो सही विकल्प यहां पर हो जाएगा मितव्यय। अगला प्रश्न है 94, अंतरंग का सही विलोम कौन सा होगा, बहिरंग। फिर आगे है सारंग का पर्यायवाची शब्द है। तो 95 का सही विकल्प हो जाएगा मोर। अगला प्रश्न है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी। तो यहाँ पर गुण संधि को प्रयोग में लाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा 97, सदानंद शब्द का विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर होगा सतधन आनंद, विकल्प सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 98, मुख दर्शन में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 99, निम्न में से सरल वाक्य का चयन करें। तो जो सरल वाक्य हो जाएगा यहाँ पर, राहुल धीरे धीरे लिखता है, बाकी जो सरल वाक्य नहीं होंगे, उसने कहा कि
कार्यालय बंद हो गया, यहाँ पर की लगा है, सुबह हुई और वह आ गया, ये भी नहीं होगा, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, तो ये भी नहीं होगा, विकल्प सी ही यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 100, उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा, क्या है उसने कहा कि मैं घर जाऊँगा, वाक्य का प्रकार बताइएगा, कैसा है ये वाक्य, तो यहाँ पर की लगा है तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला है 101, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो ये हो जाएगा वीरगति को प्राप्त हो जाना, खेत रहना वीरगति को प्राप्त हो जाना। अगला देखिए संगत युग्म कौन सा है यहाँ पर, तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 103, 102 का, तो ये हो जाएगा विकल्प बी, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये पंक्ति हो जाएगी भामा। फिर देखिए अगला प्रश्न है 103, इसमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है निम्नलिखित ग्रंथों को रचनाकार के साथ सम्मिलित करिए, तो चलिए कर लेते हैं, वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना हो जाएगी, कुंतक की, फिर जो दश रूपक है ये किसकी रचना हो जाएगी, धनंजय की, उज्ज्वल नीलमणि ये किसकी रचना हो जाएगी, रूप गोस्वामी की, और फिर जो अंत में है अलंकार सर्वस ये किसकी रचना हो जाएगी, ये रुइये की रचना हो जाएगी। इस प्रकार से देखिएगा जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। अगला प्रश्न है 104, खेलन सीखिए अली भले, चतुर अहिरी मार, कानन चारी नैन मृग, नागर नरनु शिकार, तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, तो यहाँ पर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 105, अब लो नसानी अबना नसेहू, राम कृपा भवनीसा सीरानी, जागे फिर ना दसेहू, तो यहाँ पर कौन सा रस होगा, शांत रस यहाँ पर दिखने के लिए आ रहा है, तुलसी जी के द्वारा इस पंक्ति को लिया गया है। अगला प्रश्न है 106, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो बताना है आपने, 106 का क्या उत्तर हो जाएगा, तो ये भी विकल्प ए शांत रस का ही यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। अगला प्रश्न है 107, रस सूत्र की सर्वाधिक प्रमाणिक व्याख्या मानी जाती है, किसकी मानी जाती है, अभिनव गुप्त की, विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है शांत रस का स्थाई भाव तन्मयवाद को मानने वाले आचार्य कौन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 108 का सही विकल्प अभिनव गुप्त, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है ये, इसको भी ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न देखिएगा 109, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य हैं, तो ये हो जाएंगे भट्टनायक, विकल्प डी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 110, चंपक हरला क्या है, चंपक हरवा गर मिली अधिक सुहाए, जानी पड़े सी रे जब कुंभिलाए, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उन्मिलित, विकल्प भी सही हो जाएगा यहाँ। अगला है 111, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 111 का विनोक्ति। अगला प्रश्न देखिएगा, रचनाकार को रचना के साथ सुमिलित करना है, तो यहाँ पर देखिएगा जो रचना और रचनाकार के साथ सुमिलित होगा, जो माघ की रचना हो जाएगी शिशुपाल वध, फिर जो भास की रचना हो जाएगी स्वप्नवास दत्तम, क्या है ये स्वप्नवास वदत्तम, इस प्रकार से कुछ प्रोनाउंस थोड़ा अलग हो जाता है, भास की रचना हो जाएगी, जो भारवी की रचना हो जाएगी किरात अर्जुनियम, तो जो विकल्प ए है यहाँ पर ये सही हो जाएगा, फिर जो भारवी की रचना हो जाएगी उत्तर रामचरितम, तो इस प्रकार से देखिएगा ए का सही विकल्प 3 हो जाएगा, बी का सही विकल्प 4 हो जाएगा, इस प्रकार से विकल्प बी है ये सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर,
फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 113, किराता अर्जुन नियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है, तो बताना है कौन सा होगा यहाँ पर सही विकल्प। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए लक्ष्मी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 114, बामा कुल साध्यम में बामह शब्द का अभिप्राय क्या है, तो ये हो जाएगा विकल्प भी विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। बामह कुल साध्याय में बामा का शब्द, जो बामा शब्द है इसका अभिप्राय हो जाएगा विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा करुण रस यहाँ पर प्रधान होगा। फिर अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के प्रेरणता कौन थी, अच्छा प्रश्न है ये वाला भी, भरत मुनि। फिर देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा है 117, वित्रार्थ नान नामा भय हेतु, क्या है वित्रार्थ नान नामा भय हेतु के योग में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर जो 117 का सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प ए पंचमी। अगला प्रश्न देखिए 118, ग्रामम परितः में कौन सी विभक्ति है, तो जो 118 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी द्वितीय। अगर आप लोग KVS NVS इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के संस्कृत के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न आज आपके लिए लाया हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा 119, ग्रामम निकषा नदी अस्थि में विभक्ति बताइएगा, तो 119 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति यहाँ पर प्रयोग में लाई गई है। फिर आगे है 120, जगत शब्द के चतुर्थी एकवचन का रूप है, तो 120 का सही विकल्प हो जाएगा जगते, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। फिर जो आगे का प्रश्न है इसमें देखिएगा सही मिलान का चयन करना है, तो जो धर्मवीर भारती है ये किसकी रचना हो जाएगी, धर्मवीर भारती की रचना कौन सी होगी अंधा युग। नरेश मेहता की रचना कौन सी हो जाएगी बन पांखी सुनो, और जो अज्ञेय की रचना कौन सी हो जाएगी इत्यलम, और जो गिरिजा कुमार माथुर की रचना कौन सी हो जाएगी मंजीर। इस प्रकार से देखिएगा जो सही विकल्प यहाँ पर आएगा विकल्प बी अंधा युग, सबसे पहली आएगी धर्मवीर भारती की रचना बन पांखी सुनो, ये हो जाएगी नरेश मेहता की रचना, और जो इत्यलम अज्ञेय की रचना हो जाएगी, और गिरिजा कुमार माथुर की रचना हो जाएगी मंजीर। अगला प्रश्न देखिएगा 122, नाव के पाम और हिमदंश किसकी काव्य कृतियां हैं, तो ये दोनों ही रचनाएं हो जाएंगी जगदीश गुप्त की। अगला प्रश्न है 123, हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन होंगे, तो ये हो जाएंगे श्याम सुंदर दास, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, असंगत का चयन यहाँ पर करना है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा असंगत हो जाएगा। पहला है कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना हो जाएगा बेहिया का जंगल, तो ये तो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी है डॉक्टर देवराज इनका प्राक्षिक है, तो ये गलत हो जाएगा, विकल्प भी यहाँ पर संगत असंगत हो जाएगा, संगत नहीं होगा। बाकी रमेश कुंतल मेघ की रचना हो जाएगी साक्षी और सौंदर्य, और जो रमेश चंद्र शाह की रचना हो जाएगी बागर्थ। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का 125, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था, तो ये दिया था विकल्प सी सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने 125 प्रश्नों को डिस्कस करा, देखने के लिए ये 125 थे, यहाँ पर आपको और भी तथ्य बताए गए थे, अगर आपने ढंग से सभी को नोट किया होगा, ढंग से सभी को पढ़ा होगा, तो भविष्य में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आगे वीडियो को समाप्त करने से पहले